हैदर, मैंने जो कहना था वो कह दिया। मुझे साथ लेके जाने तो आयजा को तलाक दे दो। कल मैंने आपको बहुत बर्दाश्त किया, अब मुझे पहले वाली एमल मत समझिएगा। अगर आप कुछ उल्टा करेंगी तो मुझसे सीधे की उम्मीद मत रखिएगा। क्या कर लो? बेनाम से मोहब्बत, बेनाम से कहानी। कब से गए हुए तुम लोग? फिकर है कि माँ घर में अकेली है? क्या टाइम होने को आए? आधी रात हो गई है और तुम लोगों के सैर सपाटे नहीं खत्म हो रहे? वो एक्चुअली हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, उसके बाद डिनर पे चले गए, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। शाबाश, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ कि तुम आओगे तो साथ खाना खाएंगे, और तुमने खाना भी खा लिया। माँ को तो जैसे तुमने अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका है। क्या हो गया मम्मी आपको? पहले भी कितनी दफा ऐसा हुआ है कि मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ, तब तो आपको कभी एतराज नहीं हुआ। हाँ, मैं पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया मेरा, जो मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। आइंदा नहीं करूंगी। क्या हो गया अम्मी? हैदर, आपको जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है, इस वक्त शदीद गुस्से में है। मैं उनकी नेचर बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो एक बात नहीं सुनेंगी, खास तौर पे अगर इस वक्त की तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो भूखी सोएंगी? कब तक ये चलेगा हैदर? कब तक वो हमसे नाराज रहेंगी? ये जो गलत फहमियाँ होती हैं ना, बहुत खतरनाक होती है। आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप इन्हें अपने दिल से लगा के रखें। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारी भी थोड़ी सी गलती है, हमें एटलीस्ट उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। कोशिश करेंगे कि आइंदा से ऐसे ना हो। आई एम श्योर वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएंगे। मैं कल करूँगा अभी से बात, आई होप शी विल बी फाइन। मैं चेंज कर लेता हूँ। क्या बात है, आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? फर्क पड़ता है तो पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, तो फिर समझाओ ना अपने भाई को, अना का पहाड़ बनाए क्यों खड़ा है वो? उससे कहो कि इज्जत और दौलत अगर दरवाजे पे मिल रही हो ना, तो ठुकरा ही नहीं जाती। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसको नहीं समझाती? मैं और अम्मी उसको बहुत बार समझा चुके हैं, लेकिन वो नहीं सुनता, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप नहीं सुनते। और तुम्हें को ऐसा क्यों लगता है कि हम नहीं चाहते कि वो नए घर में शिफ्ट हो? आप मुझे खुद बताएं, इसमें तो मेरे लिए अच्छा है ना कि मेरी माँ सुख में रहेगी और मेरा भाई आराम से रहेगा, तो मैं क्यों बुरा मानूंगी? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें झूठ बोल रही हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप भी तो कुछ सोचें कि अगर तूबा को वहाँ पे कोई मसला होगा तो वो आपको फ़ोन करेगी ना? वो तो हफ्तों हफ्तों आपको कॉल नहीं करती, और अगर मेरी अम्मी और उमर उस पर इतना जुल्म कर रहे हैं तो वो वहाँ क्यों है? वो यहाँ आ सकती है, लेकिन वो तो वहाँ आराम से बैठी है। देखो, एक बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बुढ़िया कभी झूठ नहीं बोलती। मैं आपके इस बात पर पूरा यकीन करती हूँ कि आपकी बहन झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, क्या ये जरूरी है कि एक रिश्ते के लिए दूसरा रिश्ता भी खराब किया जाए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अपने भाई से कहो कि मेरी बहन को खुश रखो। तू वहां खुश तो मैं यहाँ खुश, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं।
मुझे अम्मी की तरफ छोड़ा है फिर आप, मैं उम्र से बात करूंगी फिर से। ड्राइवर ड्रॉप कर देगा तुम्हें। मैं नाश्ता लगा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं अम्मी को भी नाश्ता कह देता हूँ। ठीक है। हाय अम्मी, चल के नाश्ता कर ले। मुझे नहीं करना। कब तक यूं भूखी रहेंगी? कल रात से आपने कुछ नहीं खाया, इस तरीके से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना, और अगर भूख लगेगी तो मैं खुद बना के खा लूंगी। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कब तक यूं गुस्सा करेंगी अम्मी आप? छोड़ देना प्लीज। रात को बिल्कुल मेरे जहन में नहीं रहा, आइंदा ख्याल रखूंगा मैं आपसे, लेकिन प्लीज अभी चले नाश्ता कर ले। नहीं नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं ही गलत थी। मैंने कैसे सोच लिया कि जिसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करते हुए मुझे अहमियत नहीं दी, वो अब कैसे देगा अहमियत? मैं कह रहा हूं ना आपसे, ख्याल रखूंगा मैं। मैंने कहा है ना, मुझे नहीं चाहिए कुछ, जाओ यहां से, खुश रखो अपनी बीवी को, बल्कि दुनिया में जिसको दिल चाहे खुश रखो सिवाय अपनी मां के। जाओ अब यहां से। क्या हुआ है थे? कुछ नहीं, एक काम करना, नाश्ता तैयार करके परम्बी के कमरे में भिजवा देना। आप कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता नहीं करेंगे? भूख उड़ गई मेरी, चलता हूँ। तैमूर साहब की दो बेटियां और भी हैं, कहाँ हैं वो? उन्हें नहीं बुलाया आपने? तैमूर साहब की एक ही बेटी है लाइबा, वो आपके सामने बैठी है। इस वसीयत के मुताबिक उनकी तीन बेटियां हैं, एमल, आयजा और लाइबा। वसीयत खुलते वक्त उन दो का यहाँ पे होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, आप वो एमल आयजा की बात कर रहे हैं? एक की तो शादी हो गई और दूसरी बाहर गई भी है। आप वसीयत पढ़े वकील साहब, मैं उनको बता दूंगी। वैसे भी ऐसा क्या है कि उन दोनों का होना जरूरी है? देखिए, वसीयत के मुताबिक तैमूर अहमद साहब की जितनी भी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और जो जायदाद है, उसमें उनकी तीन बेटियां और उनकी बीवी बराबर के हिस्सेदार हैं। क्या मतलब वकील साहब, बाबा उन्हें बराबर का हक कैसे दे सकते हैं? वो उनकी बेटियां हैं, उनकी तमाम जायदाद और प्रॉपर्टी आप चारों में बराबर तकसीम की जाएगी। ये वसीयत की कॉपी है, इन पर गवाहान के दस्तखत आप देख सकते हैं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, तैमूर ऐसा नहीं कर सकते। इस घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन सब पे सिर्फ मेरी बेटी लाइबा का हक है। वो उन दोनों को बराबर का हिस्सा कैसे दे सकते हैं? उन्होंने ये वसीयत बाकायदा होशो आवाज में लिखवाई थी, गवाहान भी मौजूद थे। अगर आप इस वसीयत को चैलेंज करना चाहती हैं तो ये आपका हक है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। तैमूर साहब की बाकी दो बेटियां भी इस जायदाद की वारिस हैं, आप उन्हें किसी भी तरह से इस हक से महरूम नहीं रख सकती। अगर आपको कुछ भी कहना हो या पूछना हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, प्लीज नाश्ता कर लें। उठाओ इसे और यहाँ से ले जाओ। मुझे भूख लगेगी तो मैं नाश्ता बना के खा सकती हूँ, मेरे हाथ अभी सलामत है। प्लीज गुस्सा थूक दें ना, मुँह ठीक कर लें आंटी। आपको पता है हैदर भी बिना नाश्ता किए चले गए। अच्छा अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही खा लें, आपने फिर मेडिसिन भी तो लेनी है। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, ये उठाओ लेके जाओ यहाँ से, चलो। इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बस कर दो उमर, ये इज्जत छोड़ दो। किसको फायदा हो रहा है इस इज्जत से? तुम्हें हो रहा है, मुझे हो रहा है, तूबा को या अम्मी को? किसी को फायदा नहीं हो रहा उमर। तो आप भी यही चाहती हैं कि मैं सर झुकाकर पपेट की तरह बिहेव करना शुरू कर? कोई ये पूछ रहा है कि मेरी खुशी किस में है? ये मेरी जिंदगी है आपकी, मुझे नहीं चाहिए लग्जरी लाइफ। मैं जहां हूं मैं खुश हूं। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रही, अम्मी के लिए कह रही। उन्हीं के बारे में सोच लो, क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि हम कुछ दिन उनको आराम के सुकून के दे दें? इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं ना उमर। पहले मैं तुम्हें कभी कुछ फोर्सफुली नहीं कहती थी, लेकिन अब मैं भी तुम्हें ये कह रही हूँ, प्लीज अपनी इज्जत छोड़ दो। तुम्हारा उस घर में शिफ्ट होना ही हम दोनों के लिए फायदेमंद है। तुम शायद भूल जाते हो कि मेरी और तुम्हारी शादी वट्टे सट्टे में हुई है। यहाँ तुम मुसलसल जब उसको इनकार करते हो, वहां मेरा शौहर मुसलसल मुझे जिच करता है। उनको ये लगता है कि मैं नहीं चाहती कि तूबा वहां जाए। प्लीज उमर, मेरे और अम्मी के लिए जिद छोड़ दो, चले जाओ वहां पे, मान जाओ मेरी बात। क्या कर रही है लड़का? क्या बात है बाजी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? बाप, मेरे भाई, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज माँ और बेटी असल में लुट गए हैं। क्या कह रही हैं? किसने धोखा किया आपके साथ? तैमूर ने। हुआ क्या है बताएं तो सही। तैमूर ने अपनी सारी जायदाद, सारी बिजनेसेस, सारी प्रॉपर्टीज में उन मनहूस लड़कियों को बराबर का हिस्सेदार बनाया। ऐसा कैसे कर सकते तैमूर? मैं उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, हवा तक नहीं लगने दूंगी इस वसीयत की। लेकिन लेकिन एक ना एक दिन तो ये बात खुल जाएगी, और अगर उन्होंने मुतालबा किया तो मैं इनमें क्या करूंगी? अरे आपको इसके बारे में किसी से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को कानो कान खबर ना। बाबर, मैं इस वसीयत को नहीं मानती, ये वसीयत झूठी है। वसीयत तो ठीक है बाजी, जब हुस्ना छोड़कर गई थी क्या था तैमूर के पास? कुछ भी नहीं, ये सब मेरे नसीब का है। मैं उन लड़कियों को कुछ भी नहीं दूंगी, मैं ये वसीयत ही बांट दूंगी। अरे आपको ये सब करके कोई फायदा नहीं। तैमूर ऐसा कैसे कर सकते मेरे साथ? मैं तो जीते जी मर गई हूँ, भाई भाई करके मैंने जोड़ा है सब। उन मनहूस लड़कियों ने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया। सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां, सब कुछ मैंने झेला है। और सबसे बुरा तो तैमूर ने लाइबा के साथ किया है। हैदर मेरी लाइबा के नसीब में था, उसके नसीब से छीन कर आयजा की झोली में डाल दिया। अजी देखें, इससे पहले कि उन दोनों लड़कियों को इस बारे में पता चले, आप सारी प्रॉपर्टी के कागजात मुझे दीजिए, मैं आपके और लाइबा के नाम करवा दूं। क्या क्या ऐसा हो सकता है? हमारे मुल्क में क्या नहीं हो सकता, सिर्फ सिर्फ पैसा चाहिए। और आप फिक्र मत कीजिए,
कागजात बिल्कुल असली हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इस बात की गारंटी मिली। वालेकुम अस्सलाम। खाना खा लिया? नहीं। और अम्मी ने? नहीं, उन्होंने भी नहीं खाया है। इधर बहुत गुस्से में है, बात भी नहीं कर रहे। तू खाना कमरे में दिया थी? मैं गई थी मगर उन्होंने नहीं खाया। बहुत परेशान हो रही हूँ। अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बात करता हूँ उनसे। क्या हो गया आपको? पहले तो इतना गुस्सा आपको कभी नहीं आया, तो अब क्यों? वो लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उससे कहो मेरे सामने बिल्कुल ना आया। एक ही घर में रहते हुए कोई एक दूसरे से कैसे कट के रह सकता है? अम्मी ऐसा बहुत अच्छी लड़की है, आप एक बार ट्राई तो करें, कोशिश तो करें उसे दिल से कबूल करने की। तुम अपनी बीवी की वकालत करने आए हो मेरे सामने? वकालत नहीं कर रहा मैं अम्मी, मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करूं कि अब शादी हो चुकी है और लाइबा नाम का चैप्टर खत्म हो चुका है मेरी जिंदगी से। और अब शादी जैसी भी हुई है ना अम्मी, देखिए आपकी मर्जी से हुई है या आपकी मर्जी के खिलाफ हो गई है, और आप ये तो देखें कि मैं कितना खुश हूं अम्मी, मुझे आयजा कितनी पसंद है, मैं लाइबा के साथ कभी इतना खुश ना रह सकता। आप क्या चाहती हैं अम्मी? मैं जिद मान के आपकी शादी कर लेता, आपका फैसला मान के सारी जिंदगी आपके फैसले को कोसता रहता, ये चाहती हैं आप? तुमने मेरे फैसले के अगेंस्ट जाके ना मेरा मान तोड़ा, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और जाके उस लड़की से कहना कि मेरे सामने ना आए तो बेहतर। अच्छा ठीक है, समझा दूंगा मैं उसे। आप तो चल के प्लीज खाना खा लेना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आंटी कैसी हैं? अभी भी नाराज है मुझसे, पता नहीं उनका गुस्सा कब खत्म होगा। मुझे तो लगता है वो कभी भी मुझे कबूल नहीं करेंगे। उनकी जगह खुद को रखकर सोचो तो वो गलत नहीं है आयशा। बस तुम कोशिश करना कि उनसे कोई बदतमीजी ना करो, हैदर भाई की माँ होने की हैसियत से तुम्हारे लिए भी काबिल एहतराम है। कम से कम राबे आंटी की तरह तो नहीं है ना, दिल से मुनाफिक, मुंह पे कुछ और। ये तो तुम ठीक कह रही हो। खैर तुम क्या कर रही हो? मैं कल जाने की तैयारी कर रही थी, सोच रही थी स्कूल चक्कर लगा लूं, अगर वो कहेंगे तो वापस स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें जाना चाहिए और अब तो जरूरत भी है। याद है बाबा हमें हर हफ्ते पैसे दिया करते थे, हम कितना मना करते थे, पैसे वापस भी करते थे मगर जबरदस्ती दे दिया करते थे। कितना ख्याल था ना उन्हें हमारा। अब राबे आंटी से तो कोई उम्मीद की जा नहीं सकती। अल्लाह मालिक है इमल, वो जरूर कोई ना कोई सबब बना देगा, अगर मुश्किल देता है तो उसे काटने का हौसला भी देता है। ठीक कहती हो तुम, बस दुआ करना। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, स्कूल के बाद मेरी तरफ आ जाओ। नहीं अभी नहीं, पहले तुम सेटल हो जाओ ना, फिर मैं आया करूंगी तुम्हारे घर। बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम। हाँ ठीक है,
चलो फिर तुम तैयारी कर लो एंड गुड लक। ठीक है, जल्दी बात करते हैं, खुदा हाफिज। कौन से हक की बात कर रही हो? हाँ, किसी खुशफहमी में मत रहना, ये लो तुम्हारा हक। छोड़े मुझे आंटी, छोड़ दे मुझे, कुछ नहीं होगा आपसे, मैं जा। आंटी, 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 बेनाम से मोहब्बत, बेनाम से कहानी। ले ले, खा ले। तुमने खाओगी? नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। घर में आटा खत्म हो गया है और मैंने आपके बेटे को बता दिया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपने बिल भी नहीं जमा कराया होगा, है ना? हाँ, मेरे जहन से निकल गया था, भूल गई मैं। पूरे जमाने की फिक्र रहती है आपको आंटी, एक हमारी ही फिक्र नहीं है। रात होने वाली है, हमारे घर में लाइट नहीं है, बैठे अब आप सकूत से जहन्नुम बना दी है मेरी जिंदगी। मैं तो जा रही हूँ आंटी। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? मैं अपने घर जा रही हूँ और मैं वहां जाके अरसलान भाई को सब कुछ बताऊंगी कि आप मेरे साथ क्या क्या करती हैं। नहीं नहीं, मैंने आपको कहा था ना उमर को मना ले, लेकिन आप उसे नहीं मना सकी। अब जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी, सिर्फ आप। नहीं बेटा, इस तरह से घर छोड़ के मत जाओ। मैं उमर को समझाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी वो मान जाए, खुदा के लिए मत जाओ। छोड़े मुझे आंटी, छोड़ दे मुझे, कुछ नहीं होगा आपसे, मैं जा। आंटी, 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 आंटी। हेलो, क्या हुआ अम्मी को? परेशानी की कोई बात नहीं है, बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गई थी। साहब कुछ सीरियस बात नहीं, थोड़ी देर हो जाती तो परेशानी हो सकती थी। आप प्लीज इनकी डाइट का ख्याल रखें, उनको प्रॉपर रेस्ट दें, ज़्यादा गर्मी इनके लिए ठीक नहीं है। मैंने जो आपको दवाई बताई हैं वो आप इनको 3 दिन तक दीजिएगा। ओके, थैंक यू। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। देखना, किसी दिन इसी अंधेरे में मैं तुम्हें मरी पड़ी मिलूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हैं आंटी, लाइट चली गई और उनकी तबीयत खराब हो गई। ना लाइट है ना पानी, आप मुझे बताएं ऐसे में कोई कैसे रह सकता है? मैं अभी कॉल करता हूँ। मसला सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत मसले हैं। मसला ये कि आंटी बीमार है और उन्हें आराम की जरूरत है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि यहाँ बिल्कुल आराम नहीं है? तुबा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इस बारे में और बहस नहीं करूंगा। मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा उस घर में। को बिल्कुल एहसास नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है आपने। हमारा नहीं तो कम से कम आंटी का ही ख्याल कर रहे, सब आपको समझा रहे हैं कि यहाँ कोई चीज नहीं है। फायदा तो नए घर में शिफ्ट होने में, पर आपको सिर्फ अपनी अना अजीज है। आपको याद नहीं है किस तरह रात रात भर जागकर आंटी ने सिलाई करके आपकी पढ़ाई के पैसे दिए? अब उनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, आपको इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा? आप इतने बेहिस क्यों हो गए हैं? इस घर में कुछ नहीं रखा, ये जहन्नुम है जहन्नुम। और अगर आंटी को कुछ हो गया ना, तो इसमें सिर्फ आपका कसूर होगा, सिर्फ आपका। उमर, तुम क्यों नहीं मान रहे हो? ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, देखो। अगर तुम्हें एक चीज मिल रही है तो उसे कबूल क्यों नहीं कर लेते? मेरे भी बुढ़ापे के दिन अच्छे गुजर जाएंगे। क्या कह रही हैं आप, क्या कर रही हैं आप ये? और क्या करूं,
इस बेबसी के अलावा मेरे पास है क्या? बताओ, ऐसी ही मरी पड़ी मिलूंगी मैं तुम्हें इस घर में? खुदा का वास्ते, ऐसी बातें मत किया करें, मत करें मेरे साथ ऐसे। तो बेटा, मेरी बात मान जाओ, छोड़ दो अपनी अन्ना को, छोड़ दो, खुदा के लिए मान जाओ। हाथ छोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, मान जाओ बेटा, जिद नहीं करो बेटा। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहती, तुम्हें खुश देखना चाहती, खुदा के लिए मान जाओ। अच्छा ठीक है अम्मी, कल ही हम उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। खुश हैं? थैंक यू उमर कि तुम मान गए, थैंक यू सो मच। मैं अभी अरसलान भाई को कॉल करके बताती हूँ कि अब कल ही शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत खुश होंगे वो। By the way, Umar, I am glad कि better sense prevailed finally. एक अकलमंदाना फैसला किया तुमने, और अब तुम देखना कि तुम सबकी जिंदगियां अच्छे के लिए बदलेंगी। Oh, by the way, मैंने तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी बुक कराई है। Really? Yes, जल्दी आ जाएगी। अरसलान भाई, इसकी जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हैं हमारे लिए। उमर, गिफ्ट है, उसे वापस नहीं करते। उमर, इतने प्यार से दे रहे हैं भाई, ले लो ना। उमर, जब अरसलान ने इतनी मोहब्बत से तोहफा दिया है तो रख लो, मना नहीं करो। ठीक है, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, थोड़ी एडवाइस भी दे दें कि क्या करना चाहिए, किस हिसाब से कलर कॉम्बिनेशंस करें। आ जाए, चलें। नहीं तो बाप, उस कमरे में अम्मी रहेंगी। नहीं बेटा, बड़ा कमरा तुम दोनों के लिए है, मैं तो किसी भी कमरे में रह लूंगी। अम्मी, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उस कमरे में रहेंगी तो सिर्फ आप रहेंगी। उमर, क्या जिद है, वो मास्टर बेडरूम है, तुम दोनों के लिए ठीक है, अम्मी किसी और रूम में रह लेंगी, है ना? हाँ सही है ना भाई, आंटी घर की बड़ी है, मैं और उमर तो किसी भी और रूम में रह लेंगे, ठीक है ना? ठीक, as you wish। तन्वीर, तन्वीर। आंटी, वो तो बाहर गया, कुछ चाहिए था आपको? मेरे हाथ टूटे हुए नहीं है, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले सकती हूँ। और हाँ, मेरे लिए कुछ पकाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद पका के खा लूंगी। आंटी, मैं जानती हूँ आपको मुझ पे गुस्सा है, आप जो चाहे कहे मैं उफ नहीं करूंगी, मगर प्लीज मुझे अपने काम करने से मत रोकिए। आप मेरे लिए मेरी अम्मी की जगह है, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। कितना अच्छा कमरा है ना? क्या हुआ है उमर, तुम खुश नहीं लग रहे? सबको अपनी अपनी खुशियाँ अजीज हैं,
मेरी खुशी की परवाह किसको है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी खुशी की फिक्र है। देखो, अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो हम कल वापस शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हें तो पता है ना, मैं इस घर में सिर्फ आंटी के लिए मूव हुई हूँ। तुमने नोटिस किया है, जब से यहाँ आए आंटी की आंखों और चेहरे पे कितनी खुशी है। और ये बात तो है ना, जो फैसिलिटीज और खुशियाँ इस घर में हैं वो वहाँ नहीं है। खुशियाँ? खुशियाँ चीज़ों और सहूलतों से नहीं मिलती। मुझे अफसोस इस बात का है कि तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। उमर, तुम ये कैसे सोच सकते हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ना। और उमर, तुम जहाँ रहोगे मैं वहाँ खुश हूँ, चाहे वो इस घर में हो या उस घर में। मामा अपने खाला को इस वसीयत के बारे में बताया? दिमाग खराब है, मैं क्यों बताऊंगी आपा को? आयजा आपा की बहू है, भले वो उसे पसंद ना करती हूं, लेकिन अगर आपा को वसीयत के बारे में पता चल गया और उनके दिल में मैल आ गया तो करोड़ों की जायदाद कौन छोड़ता है? बाबुल मामू ने आपसे क्या कहा है कि वो पेपर्स कब तक लाके देंगे? कुछ दिन का ही कह रहा था। शुक्र है कि हमारे पास एटलीस्ट बाबर की सपोर्ट है। अगर वो ना होता ना हमारे साथ, हम शायद कहीं के ना रहते। सही हो गया। तैमूर ने तो पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है हमसे। आंटी, आज आप तैयार रहिएगा, मैं आपको मॉल लेके जाऊंगी। मैं आपको नए कपड़े दिलवाना चाहती हूँ, आपके पुराने कपड़े बहुत बुरे हो गए, ये आप सर्वेंट को दे दें। मेरे पास बहुत सारे सिले हुए जोड़े रखे, क्या जरूरत पड़ी है खर्चा करने की? मैं कौन सा अपनी जेब से कर रही हूँ। करल सलान भाई और आयशा भाभी आए थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं और मुझे आयशा भाभी ने इंसिस्ट किया है कि मैं आपको शॉपिंग लेके जाऊँ। क्या जरूरत थी उनसे पैसे लेने की? मैंने कोई शौक से नहीं लिया उमर, आयशा भाभी ने मुझे ज़बरदस्ती दी है और उनको मैं किस तरह इनकार कर सकती थी? मैं तो सोच रही थी कि तैमूर की कब्र पे चली जाओ, फिर वहाँ से एमल से मिल के आऊँ। तुम क्या कहते हो, अगर तुम्हें ऑफिस नहीं जाना तो मुझे ले चलो वहाँ। नहीं, ऑफिस तो नहीं जाना मुझे, आप तैयार हो जाए मैं आपको ले चलता हूँ। ठीक है, फिर आप दोनों एमल से मिलाएं, वापस आ जाएंगे तो मैं और आंटी शॉपिंग पे चले जाएंगे। है, कहाँ जा रही हो? मैंने स्कूल वापस ज्वाइन कर लिया है। किससे पूछकर, किसकी इजाजत से? किससे पूछती, किसको बताती? मैं मर गई हूं क्या, मुझसे पूछती? चल, अब तो आपको पता चल गया ना, तुम कहीं नहीं जाओगी वापस जाऊंगे। आप मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हें अगर इस घर में रहना है ना तो मेरी मर्जी के मुताबिक चलना होगा, वरना जहां मर्जी आए जाओ, दफाओ। जितना इस घर पे आपका और लाइबा का हक है, उतना ही हक मेरा भी। मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। हक? कौन से हक की बात कर रही हो? हाँ, किसी खुशफहमी में मत रहना, ये लो तुम्हारा हक। ठीक हो ना? शर्म नहीं आती तुम्हें इस बच्ची पे जुल्म करते हुए? तुम क्या समझती हो कि ये लावारिस है? तुम्हारे दिल में जो आएगा वो तुम करोगी, और तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है? इसकी फुप्पो भी जिंदा है। अगर फुप्पो जिंदा है ना तो लेकर जाएं इसे। इतना जहर तो किसी सांप में भी भरा नहीं होता जितना तुम में भरा हुआ है। आपके मुंह से जैसे शहद टपक रहा है ना, अगर इतना गम खाए जा रहा है आपको तो लेकर जाए इसे। कहना आसान है, जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल है। मरते वक्त तैमूर ने इन बच्चियों की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ी थी, और मैंने भी उससे वादा किया था कि जिंदगी भर इन लोगों का ख्याल रखूंगी मैं। बस अब ये मेरे साथ जाएंगी मेरे घर पे।
पप्पू, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों बेटा? इस घर में जलील होके रहने से बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो। और वैसे भी ये सब कुछ देख के मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ दूँ? नहीं, तुम अपना सामान पैक करो, तुम चल रही हो मेरे साथ। ओ, मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा, मुझे यही रहना चाहिए। तैमूर ने जिम्मेदारी सौंपी थी ना, तो लेकर जाए इस कयामत को यहाँ से। मैं अब और इसकी जिम्मेदारी नहीं झेल सकती। चलो यार, अम्मी ठीक कह रही है। चलो इमाम, अपना सामान पैक करो। तुमने इन बच्चियों पे बहुत जुल्म किया है, याद रखना जुल्म का बदला जुल्म होता है। जो बोया है ना तुमने, वो ही काटोगी। तुम्हारी रस्सी अल्लाह ताला ने दराज की हुई है, लेकिन वो रस्सी जब अल्लाह ताला खींचेगा ना, तब तुम्हें अपनी जाति का एहसास होगा। उस वक्त पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, समझी तुम? अरे जाए जाए, लेकर जाए इसे। जुल्म ये करे और जालिम मैं बनूं? कुछ दिन रख कर तो देखे इसे, पता चल जाएगा आपको। खुशियां खा जाने वाली बला है ये। जब से ये दो बहनें मेरे घर में आई है ना, मेरी तो जिंदगी अजीरा रो गई है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकर जा रही हूं मैं। जा बेटा, पैकिंग कर। गए थे आप लोग? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। कैसी हो इमन? मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? ये बैग किसका है? इमल का। तुबा, इमल आज से यहीं रहेगी। यहाँ रहेगी? लेकिन क्यों? ओ, तैमूर मामू ने मरने से पहले अम्मी से वादा लिया था कि अम्मी इमल और आयजा का ख्याल रखेंगे, इसलिए हम इमल को अपने साथ ले आए। मैं बैग रखता